अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वासिफ अली और आप देख रहे हैं क्रिकेट टेल्स यूट्यूब चैनल। मुकाबला खेला जाएगा पाकिस्तान और टीम बांग्लादेश के दरमियान ट्राई सीरीज 2022 का ये छठा मैच है। फाइनल से पहले ये मैच खेला जाना है और इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि ये मैच कब, कहां और कितने बजे होना है। दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के अंदर क्या क्या तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की टीम के अंदर तब्दीलियां होने वाली हैं दोस्तों, और ज्यादा तब्दीलियां होंगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर, और वो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं। साथ में आपके साथ हम यहां पर पिच और वेदर कंडीशन शेयर करने वाले हैं और पॉइंट से भी आपको थोड़ा बता देंगे हम, और लाइव स्ट्रीमिंग के टीवी चैनल के ऊपर है। तो ऑल इन ऑल हर किस्म की डिटेल जो है वो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को जानने को मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कि क्या पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर क्या कोई तब्दीली आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, अभी जो स्क्वाड है उसके अंदर क्या कोई तब्दीली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए इस मैच की, वर्ल्ड कप की हम बात बाद में करेंगे, तो ये मुकाबला इन दोनों ही टीम्स के दरमियान हेडली ओवल से खेला जाना है क्राइस्टचर्च से, और 13 अक्टूबर 2022 को यह मैच खेला जाना है। यहां पर अगर टाइमिंग की बात की जाए तो सुबह 7 बजे ये मैच पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हमें शुरू होते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर इस टूर्नामेंट के पॉइंट टेबल के हवाले से, तो टूर्नामेंट का पॉइंट टेबल हमने आपके लिए निकाला हुआ है, वो देख लें। हालांकि इतनी ज्यादा अहमियत जो है वो इस टूर्नामेंट के पॉइंट टेबल के हवाले से अब आपको बताता चलूं तो नहीं है यहां पर, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी फाइनल के अंदर क्वालिफाई कर चुकी है, आपको ये अपडेट देता चलूं। और साथ में न्यूजीलैंड की टीम की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड की टीम ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और 14 तारीख को सुबह 7 बजे मुकाबला खेला जाएगा पाकिस्तान और टीम न्यूजीलैंड के दरमियान, जो कि फाइनल मैच रहने वाला है। और बांग्लादेश की टीम इस पॉइंट्स के टेबल के ऊपर आप देख सकते हैं कि टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस मैच की पिच और वेदर कंडीशंस के हवाले से, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये मैच जो कि इन दोनों ही टीम्स के दरमियान खेला जाएगा, अगर वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो 13 तारीख वाले दिन बारिश के चांसेस हैं हेडली ओवल क्राइस्टचर्च में। मौसम ठंडा रहेगा, क्लाउडी वेदर रहेगा, बारिश होने के चांसेस है लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। एज यू कैन सी के दोपहर के बाद न्यूजीलैंड में वो मैच खेला जाएगा, 2-3 बजे वो मैच खेला जाता है न्यूजीलैंड टाइम के मुताबिक। यहां पर थ्रू आउट दी मैच जो बारिश होने के चांसेस हैं वो लगभग कोई 15% के आसपास मौजूद हैं। तो बारिश की वजह से आपको बताता चलो कि ये वाला मुकाबला हमें थोड़ा डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे सकता है, और उम्मीद ऐसी चीज की है कि नहीं होगी लेकिन शायद बारिश आ जाए क्योंकि 15% चांसेस हैं बारिश होने के। तो देखते हैं कि अब बनता है क्या, कुदरत के काम है बारिश होने के, लेकिन आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि थोड़ी बारिश शायद आ जाए। तो दोस्तों ये बारिश के इम्कान है। पिच की अगर बात की जाए तो पिच परफेक्ट रहेगी बॉलर्स के लिए, बैटर्स को अपने रन्स बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को सेट करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस विकेट के एवरेज स्कोर की अगर बात की जाए तो 160 से 170 के दरमियान अगर कोई टीम बना लेती है तो उनके फिर जीतने के चांसेस काफी हद तक अलाइव रहते हैं। सो देखते हैं कि अब बनता है क्या, यहाँ पर कितने रन्स को टीम बनाती है। लेकिन अगर बात की जाए तो विकेट जो है वो बॉलर्स के लिए साजगार है, ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा है तो इस वजह से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर हिट करना भी इतना आसान काम नहीं होता है बैटर्स के लिए। तो दोस्तों ये विकेट के हालात है। अब हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के हवाले से, तो सबसे पहले आपको बताई जाएगी टीम बांग्लादेश की प्लेइंग 11 जो कि इस मुकाबले के अंदर खेलेगी। बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड के लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड है, तो बांग्लादेश की टीम अपने मेन स्क्वाड यानी कि अपने मेन प्लेयर्स को थोड़ा रेस्ट देने की कोशिश करेगी। यहां पर नाजमुल हुसैन शांतू जो है वो दोस्तों खेलते हुए हमें दिखाई देंगे एज ए ओपनर, अब ट्राई सीरीज के अंदर इनका बल्ला नहीं चला हुआ। सोमिया सरकार खेलने वाले हैं, लितन दास इनके की प्लेयर, सोमिया सरकार, लितन दास और यहां पर शाकिबुल हसन जो है वो दोस्तों बैटिंग में टीम बांग्लादेश के की प्लेयर हैं। आफिफ हुसैन या फिर मेहदी हसन मेराज, इन दोनों में से एक प्लेयर खेल सकता है क्योंकि आफिफ हुसैन मुझे नहीं लगता कि T20 क्रिकेट के लिए सूटेबल प्लेयर है। जिसके बाद मुसद्दिक हुसैन का नाम हमें देखने को मिल जाएगा, एज ए ऑलराउंडर प्लेयर खेल रहे हैं। शाकिबुल हसन एज ए ऑलराउंडर प्लेयर खेल रहे हैं, और न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली थी, हमने देखा पिछले मुकाबले के अंदर। जिसके बाद यासिर अली का नाम हमें देखने को मिल जाएगा, ये बिग हिटर हैं दोस्तों और इनको ऊपर थोड़ी बैटिंग अगर दी जाती है तो ये टीम को फायदा दे सकते हैं। साथ में नूरुल हसन सुहान जो कि हमें विकेट कीपिंग के फ्राइज सर अंजाम देते हुए दिखाई देंगे, और इसी तरह मोहम्मद सैफुद्दीन खेलने वाले हैं टीम के अंदर, और साथ में शरफुल इस्लाम एंड इबादत हुसैन। तो दोस्तों ये टीम बांग्लादेश की प्लेइंग 11 है जो कि इस मुकाबले के अंदर खेलेगी।
याद रहे कि ये मैच 13 अक्टूबर को सुबह 7 बजे खेला जाएगा। अब हम बात करेंगे टीम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप सभी दोस्त मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर पाकिस्तान की टीम की प्लेइंग 11 को देखा जाए तो 2 से 3 तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं टीम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर। यहां पर तब्दीली नंबर 1 जो हो सकती है दोस्तों, वो ये हो सकती है कि मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया जाए, क्योंकि इस मैच की अहमियत उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी के फाइनल की होगी। तो पाकिस्तान की टीम चाहेगी कि यहां पर अपने मेन विकेट कीपर प्लेयर मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दें और उनकी जगह पर मोहम्मद हारिस को टीम के अंदर शामिल किया जा सकता है दोस्तों, जो कि एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर हमें इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ ट्रेवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया जा सकता है इस बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मुकाबले के अंदर। अगर उनको रेस्ट नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है वही खेलेंगे, फिर मोहम्मद हारिस नहीं खेलेंगे, तो इन दोनों में से कोई एक प्लेयर हमें खेलते हुए दिखाई देगा इस मैच के लिए। जिसके बाद अगर बात की जाए नंबर 2 के प्लेयर की, तो वो रहने वाले हैं कप्तान बाबर आजम। बाबर आजम के साथ सिचुएशन ये चल रही है, एक मैच के अंदर चलते हैं, एक के अंदर फेल हो जाते हैं, एक के अंदर चलते हैं, एक के अंदर फेल हो जाते हैं। तो बाबर आजम को थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आगे बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है। तो जितनी अच्छी फॉर्म में रिजवान एंड बाबर आजम होंगे, उतना ही पाकिस्तान की टीम को इनका फायदा होगा, क्योंकि ये बैकबोन है पाकिस्तान की टीम की। और खासतौर पर ऑस्ट्रेलवी कंडीशंस के अंदर जहां पर बैटिंग करना इतना आसान काम नहीं होगा, खासतौर पर पाकिस्तानी टीम के लिए जो कि शॉर्ट पिच बॉलिंग को इतनी अच्छी नहीं खेल पाती। तो बाबर एंड रिजवान का रोल बहुत अहम रहेगा। जिसके बाद नंबर 3 के प्लेयर की अगर बात की जाए, तो शान मसूद हमें यह मुकाबला खेलते हुए दिखाई देंगे। शान मसूद को लगातार मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन ये एक आध मैच के अंदर चल जाते हैं, इसके अलावा ये हमें इतने अच्छे से खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं शान मसूद। तो शान मसूद इस मुकाबले के अंदर फिर से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे नंबर 3 की पोजीशन पर। नंबर 4 के प्लेयर की अगर बात की जाए, तो वो रहने वाले हैं हैदर अली या फिर खुशदिल शाह। इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को ट्राई आउट किया जाएगा, क्योंकि फाइनल से पहले पाकिस्तान की टीम चाहेगी कि अपने बेस्ट कम्बिनेशन को खिला के देखे। जो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है उनको टीम से रेस्ट देकर उनकी जगह पर नए प्लेयर को, जो कि पिछले 4-5 मैचेस नहीं खेले हुए, उनको टीम के अंदर शामिल अगर कर लेते हैं तो फिर शायद कि वो चल जाएं और उनकी फॉर्म बहाल हो जाए और वो हमें फिर पाकिस्तान की टीम को फायदा देते हुए दिखाई दें। वैसे ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन यहां पर अब देखते हैं कि खुशदिल शाह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। खुशदिल या हैदर, इन दोनों की मेन वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर भी मेरे हिसाब से एक ही प्लेयर की जगह बनती है इन दोनों में से। और कहीं ना कहीं फखर जमान को मेन स्क्वाड के अंदर लाना चाहिए खुशदिल की जगह पर, या हैदर की जगह पर फखर जमान को मेन स्क्वाड के अंदर लेकर आए। फखर जमान नंबर 3 पर बैटिंग करें या फिर नंबर 4 पर बैटिंग करें। एंड इसी तरह शान मसूद की अगर बात की जाए, तो शान मसूद अगर हमें नंबर 3 या नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे तो फिर शायद थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि फखर जमान इनसे तो बेहतर प्लेयर है हैदर अली एंड खुशदिल शाह से। तो अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का स्क्वाड मुंतखब करना है, तो शायद ये तब्दीली एक आध हो जाए, ज्यादा तब्दीलियां आप एक्सपेक्ट ना करें पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर। 15 तारीख आखिरी डेट है दोस्तों, जब तक हर टीम वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर चेंजेस कर सकती है। तो पाकिस्तान के पास भी एक बड़ा मौका मौजूद होगा कि वो अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर तब्दीली करें, लेकिन अब देखते हैं कि तब्दीली की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो इसके बाद अगर बात की जाए, इफ्तिखार अहमद हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। इफ्तिखार ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम के अंदर अपनी जगह को बना के रखा हुआ है, तो इफ्तिखार का नाम हमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों इस मुकाबले के अंदर भी। और एज ए ऑलराउंडर प्लेयर खेल रहे हैं, जब जब इनको एज ए बॉलर भी यूज किया जाता है तो पाकिस्तान की टीम को इनका फायदा रहता है। इफ्तिखार के बाद अगर बात की जाए दोस्तों आसिफ अली की, तो आसिफ अली को मौके पर मौका मिल रहा है, और आसिफ अली से जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, वो इनको एज ए फिनिशर खिलाया जा रहा है। इनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं है, लाइक इनके पर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन हमें मिडिल ऑर्डर के अंदर ये खेलते हुए दिखाई देते हैं, और जब चल गए तो टीम को जितवा देते हैं, लेकिन नहीं चलते तो फिर मतलब क्या लेके आप इनका कसूर इतना नहीं निकाल सकते। अभी तक मुझे ये समझ आ रहा है इनको टीम के अंदर खिलाने की वजह, कि इनको फ्री हैंड दिया गया कि भाई जाओ और जाकर अपनी मनमर्जी की क्रिकेट खेलो आप। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, तो शादाब खान, जी बिल्कुल दोस्तों, शादाब खान का टीम पाकिस्तान के अंदर हमें नाम देखने को मिल जाएगा। शादाब खान एज ए ऑलराउंडर प्लेयर खेल रहे हैं, और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि इनको अप दी ऑर्डर ट्राई कर रहे हैं। शादाब खान जो कि आसिफ अली के बाद, बल्कि मोहम्मद नवाज के बाद बैटिंग करने के लिए आ रहे थे पिछले कुछ मैचेस के अंदर, लेकिन पिछले 2 मैचेस गुजरे हमने देखा कि शादाब खान नंबर 4 पर, नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए आए हुए हैं। तो
ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इनके अंदर वो काबिलियत है कि वो ऊपर बैटिंग कर सकें और अच्छी बैटिंग भी की हुई है पीएसएल के मैचेस के अंदर। तो शराब हमें आसिफ इफ्तखार और हैदर अली से पहले या फिर खुश दिल शाह से पहले बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे नंबर चार की पोजीशन पर। जिसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर टीम के अंदर शामिल अगले प्लेयर की, तो वो रहने वाले हैं मोहम्मद नवाज, एक और ऑलराउंडर प्लेयर, लेकिन ये ज़्यादा बॉलिंग ऑलराउंडर हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये भी बड़े बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत रखते हैं। ये खेलने वाले हैं मोहम्मद वसीम जूनियर को टीम के अंदर खिलाया जाएगा, एक और मौका दिया जाएगा। जबकि अगर बात की जाए नसीम शाह की, तो वो भी खेलने वाले हैं, पिछले मैच के अंदर अच्छी बॉलिंग करवाएगी नसीम शाह की तरफ से। और लास्ट प्लेयर की अगर बात की जाए तो वो मोहम्मद हसनैन रहने वाले हैं। शाहनवाज धानी जो कि खेल रहे थे, लेकिन शाहनवाज धानी के हवाले से आपको बता दो चलूं कि वो वर्ल्ड कप के मेन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो इस वजह से शाहनवाज धानी को अब रेस्ट देते हुए उनकी जगह पर मोहम्मद हसनैन को टीम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर अब शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये टीम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है जो कि खेलने वाली है। ये लास्ट मौका रहेगा दोस्तों, क्योंकि इस मैच की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है, वो हाइप नहीं है और कह लें कि फायदा नुकसान भी नहीं है। तो क्योंकि पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी जो है वो हमें फाइनल के अंदर अपनी जगह को बनाते हुए दिखाई दी है, तो इस वजह से पाकिस्तान को चाहिए कि मैक्सिमम बेंच स्ट्रेंथ, जितने भी प्लेयर बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं सबको ट्राई किया जाए, हारिस को रेस्ट दी जाए, हारिस स्टॉफ को लाजमी तौर पर, इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान को भी रेस्ट दी जाए। मैं तो ये चाहूंगा कि बाबर आजम को भी रेस्ट दी जाए, लेकिन बाबर आजम खेलेंगे मुझे पता है कि वो नहीं रेस्ट करेंगे। तो जो पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स हैं उनको लाजमी रेस्ट दी जाए, क्योंकि अगले ही दिन सुबह के वक्त कह लें कि 24 घंटे के से पहले पहले पाकिस्तान की टीम जो है वो एक बार फिर से हमें इन एक्शन दिखाई देगी। तो इसलिए रेस्ट भी ज़रूरी है और यहाँ पर मैक्सिमम प्लेयर्स को अगर रेस्ट दिया जाएगा तो ये एक अच्छी चीज़ रहेगी टीम पाकिस्तान के लिए। तो दोस्तों ये टीम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 खेलने वाली इस मुकाबले के अंदर, यहाँ पर आपके ख्याल से क्या क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए ये देना है आपने हमें, जल्द अज जल्द बता। और यहाँ पर अगर बात की जाए लाइव स्ट्रीमिंग की, तो ये मुकाबला आपको पाकिस्तान में पीवी स्पोर्ट्स के ऊपर, इंडिया में है तो Amazon प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगा, साथ में बांग्लादेश में है तो गाजी टीवी के ऊपर, न्यूजीलैंड स्पार्क स्पोर्ट के ऊपर ये वाला मुकाबला आपको लाइव देखने को मिल जाएगा। बहुत ही एक अच्छा मैच हो सकता है, टीम पाकिस्तान के लिए तजर्बे करने वाला मैच हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी फाइनल के अंदर चली गई है। और पाकिस्तान की टीम और न्यूजीलैंड की टीम 14 तारीख को हमें खेलते हुए दिखाई देंगी आपस में। इस मैच की लाइव कवरेज जो है वो हम आपके साथ इसी चैनल के ऊपर लेकर आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी लाजमी तौर पर कर दीजिए। अपने होस्ट एंड दोस्त वासिफ अली को दीजिएगा इजाजत, अपना ख्याल रखते हुए टेक केयर एंड बाय बाय।